ऐसे अच्छी कहा कोई फायदा नहीं तो कहा बताओ जाए। टूटी खाली लगाए गए बस पानी नहीं आया। यहाँ पे कोई देखने नहीं आता कि मायावती देंगे वोट। कोरोना में लाइन में लगा दिया गया, नोटबंदी में लगा दिया गया। जो लिस्ट में 35 किलो मिलता था वो भी लिस्ट में हमारा नाम खत्म कर दिया। 100 रुपया में तेल मिल रहा है, 150 रुपया में कड़ुआ तेल। भैया जो जो है कि 15 या 10 रुपया में गेहूँ धान बिक रहा तो क्या खाए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त मोहनलालगंज ग्रामीण क्षेत्र में हूं और यहां से मैं निकल रही थी तो मैंने देखा कि यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हमने सबसे बात करने की कोशिश की तो इन लोग अपनी समस्याएं बताने लगे, सरकार की बहुत सारी नीतियों के बारे में बताने लगा कि लोग यहां पर आते हैं वोट मांगने के लिए, बहुत सारी चीजें हमसे शेयर करने लगे। हमने सोचा कि चलें इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूं और आप तक पहुंचाती हूं। जो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं ग्रामीण से, हम सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्षेत्र का क्या माहौल है, यहाँ की जनता क्या सोचती है। इन सभी तमाम चीजों को लेकर हम इन लोगों से चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ। सर, इस बार आपके गांव का क्षेत्र का क्या माहौल है, कौन आना चाहता है इस बार, आप लोग किसको लाना चाहते हैं? बहन जी का। बहन जी क्यों? मायावती सरकार बनना चाहिए, वोट नहीं देंगे। बीजेपी अच्छी नहीं लगती? बीजेपी अच्छी का कोई फायदा नहीं तो कहा बताओ जाए। फायदा नहीं किया गांव का, रहा सब खा रहे हैं धान गोह चले लिए थे, वहाँ खेत रखाई घर रखे। ये अखिलेश यादव के सरकार में नहीं था? उनके सरकार में नहीं रहा। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं, वो नहीं सही लगते? अब सही कहा, हमका नहीं अच्छा लागत है जो सरकार है तो हम देखा अच्छा लागत वही बने। अच्छा, हम देखा चाह वही वोट दे। आपको ये भरोसा है कि मायावती आपका बेहतर कर सकती? विकास लखनऊ में कहीं नहीं है, उन्हें अच्छी उन्हें दिन जाए। आप बताए अंकल वोट देंगे इस बार मायावती को? हाँ, हमारे यहाँ नाला ही नहीं खुदवाए और नाली ही तमाम खराब पड़ी है, टूटी फूटी। हाँ। रोड ही खराब है हमारे यहाँ की, जिससे हम अपनी ही सरकार बनाएंगे मायावती को। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है आप लोगों को? नहीं नहीं, मदद नहीं, हमको शौचालय ही नहीं मिला ना, हमको एक कॉलोनी ही मिली है, हम लोग बंगला में ही रह रहे हैं। हाँ। बंगला मतलब? मतलब बंगला छप्पर के ऊपर में। आप बंगले का मतलब होता है छप्पर, क्योंकि हाँ आप बताएं। दीदी जी को लाना, मुझे कॉलोनी नहीं मिली है। हाँ। बंगला में रह रहे हैं। क्या करते हैं आप? किसानी काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, धान वान सब बेचते हैं। रोजगार के बारे में क्या बोले? रोजगार मैंने धान फसल को कितना पढ़ाई किया है? 9 तक। अच्छा, एक वोट किसको करेंगे? वोट दीदी को, दीदी जी को देंगे। मायावती? मायावती को। अच्छा, आप बताएं। हाँ, 10 साल तो हो गए इसमें, कुछ हमको खुद नहीं कोई लाभ मिली, छप्पर में हम लोग खुद रहते हैं। हाँ। अभी यहाँ तलब कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी जो आप चाहते हैं सरकार? पानी लगा गए, टोटी वोटी पानी भी नहीं आया अभी। हाँ। टोटी खाली लगाए गए बस पानी नहीं आया। हाँ। ऐसे भी टोटी लगी पड़ी है। क्षेत्र में जो यहाँ के मौजूदा विधायक है, कभी सारे कष्ट है, यहाँ पे कोई देखने नहीं आता न। और अभी हम लोग खुद छप्पर में रहते हैं। अब आज शौचालय मिला? 10 साल गुजार गए, अभी कुछ ही नहीं मिला, ना शौचालय मिला ना कुछ नहीं मिला। हाँ। ये भी प्रधानी आ गई। क्या माहौल है गांव का, क्षेत्र के लोग किसको वोट करेंगे? हम आपकी मायावती देंगे वोट। हाँ लिया। हाँ बिल्कुल। हाँ, आएगा बोल देगा कि हमें, और विपक्षी पार्टियां भी आएंगी और बोलेंगे हमें वोट करो, हमें वोट करो। 10 साल हम देख रहे हैं गुजर गए, अभी यहाँ तक कुछ नहीं आई, न कोई सूचना है न कुछ। तो हम देख रहे हैं छप्पर में जो हम रह रहे हैं, और बाकी आप लोग सब लोग का मिल रहा है, जो जो दो में एक मंजिल बनाए इसको अच्छा मिल रहा। अच्छा। हम लोग छप्पर में है तो कुछ नहीं, गरीब जनता को नहीं मिला ना? हाँ। नहीं मिला भी है इसे। अच्छा, यहाँ पे एक सर भी, आप बताएं सर क्या माहौल है आपके गांव का? हमारे यहाँ ये माहौल है, जो आवास आती है गरीबों के लिए, तो जिसके पक्के मकान बने हुए हैं उन्हीं को आवास दिया जाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, वो परेशान है बेचारे। यहाँ पे क्षेत्र में जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं लागू हुई हैं उसका कोई मुनाफा नहीं? वो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। बहन जी के शासन में ये था कि गली गलियारा 8 CC रोड बन गई, बिजली के खंभे गड़ गए, तार खिंच गए, और जिस दिन जो है सरकार गिर गई उस दिन जहाँ कहाँ काम ठप हो गया, आज तक नहीं शुरू हुआ। बीजेपी का क्या, बीजेपी की कैसी सरकार लगती है आपको? गरीब परेशान है। किस मुद्दों को लेकर परेशान है? गरीबों को लाइन में लगा दिया गया है। हाँ। कोरोना में लाइन में लगा दिया गया। हाँ। नोटबंदी में लगा दिया गया। हाँ। और जानवर के पीछे किसान परेशान है। हाँ। इस सरकार में किसान परेशान है, अब की सरकार बहन कुमारी मायावती की बनाएंगे सब। हाँ। आप देखिए अंकल, आप बताएं जरा।
बहन मायावती को देंगे हम। पूरे गांव का एक ही नारा है, एक ही नारा है सब लोग। हम लोग जो है कि बहन मायावती को देंगे। कोई दूसरा आके बोल गया कि नहीं इनको नहीं उनको करना है तो नहीं, उनको नहीं देंगे। इसीलिए नहीं देंगे कि हमारे यहाँ गांव में जानवर के बाद बहुत तकलीफें हैं। गली गलियारा जो जहाँ पहले बना क्या करते हैं अंकल थोड़ी बहुत खेती है ना। शौचालय भी नहीं मिला हुआ, आवाज मिलते हैं तो बड़े लोगों को मिलते हैं जिसके पक्के मकान बने हुए हैं, और उनसे जो गरीबों से 20-30 हजार रूपये लेना चाहते हैं कहते 20 हजार रूपये दो, तो हम जो है की परेशान है, बीजेपी किसान परेशान है जो, और हम जो है 30-10 हजार का जो मोबाइल नहीं ले सकते। के बारे में क्या बोले, महंगाई जो जो कि पेट्रोल डीजल सब महंगा, तो खेतों से सींच नहीं पाते, गेहूँ कैसे सींचे, सिंचाई का प्रॉब्लम है, और बिजली भी नहीं साफ 40-30 रुपया लीटर रहा जो है जब इनकी सरकार रही है। किसकी मायावती की, जब पानी जो है 35 रुपया लीटर रहा, 100 रुपया लीटर का बचे हुए, अब 1000 रुपया जुटाइए कि 1 घंटा भी रात जो यहाँ नहीं जोत पावत है। हाँ तो पानी बराबर पहुँचता है? हाँ पहुँचता है। मिलता है आपको? नहीं, खाद वाद सब दिक्कतें मिलती हैं, और हम बस बड़का पैसा पाएंगे बगल में बैठे उनका दे छुटका है, हमारे लौटी आए ऐसा काम हो हम तो बराबर से वोट देते हैं। आपको लगता है मायावती आएंगे तो आप लोगों का बेहतर करेंगे? अरे हम मुझे स्वागत करी रहती थी, उन्होंने बराबर व्यवहार तो यहाँ दी थी। अच्छा, हाँ मुझे पहले से आते नहीं, फिर मायावती देंगे। हाँ पक्का है, हम तो आगे वाले गाँव में रहते हैं, मतलब सरकार वही चल रही है मायावती के। हाँ मायावती वोट दीजिए। अच्छा, ये सरकार से हम बजा रहा है नहीं, सरकार अच्छी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। क्या करते हैं अंकल? कुछ नहीं है, मंजूरी लुटरी करते हैं, वही सारा मंजूरी मिलती नहीं हम कभी नहीं समझो। जाओ लौटी आओ, किसानी है नहीं, जो कुछ करते हैं सब कर रहा है सरकार में, छुटके का कह रहा है। हाँ हमारी सरकार में जब से ये सरकार चली है तब से नहर में पानी शुद्ध मिल रहा है, गाँव के नारी नाला साफ हो रहे, झीलों में पानी भरा रहता है, और बिजली जो मीटर लगाए गए बिजली कम खर्चा हो। बीजेपी गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि हमने बहुत विकास कर दिया, चमाचम कर दिया, बिल्कुल गांव आ गए, जितना चमाचम कर दिया उतना परेशान, खर्चा कम हो रहा बिल ज्यादा आ रहा, लैट्रिन बाथरूम को हम सही नहीं बना हो तो पैसा वहाँ से आता है, यहाँ पैसा जो गरीब है लैट्रिन नहीं पाते हैं, और जो गल्ला है किसान छोटे किसान है मजदूरी करे जाए कि जानवर रखा है, इनका जानवर दिन का तो परेशान रात का तो परेशान, थोड़ी खेती का मजदूर किसानों के लिए ये जो जानवर है ये ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, और उसके साथ जो कमाई मजदूर आदमी है कोरोना का चालू कर देते हैं, मार्च अप्रैल तक जो गरीब आदमी का कहाँ कमाए, अंदर घर में बैठे तो क्या खाए, 5 किलो अनाज में पूरा नहीं पड़ता है, जो और लिस्ट इसी साल की लिस्ट में नाम है नहीं, हम 5 साल 6 साल तब से चल रहा है जब से हमको गल्ले नहीं मिला, जो 5 किलो जो लिस्ट 35 किलो मिलता था वो भी लिस्ट में हमारा नाम खत्म कर दिया। अच्छा, यही सब समस्याएं हैं, जहाँ सरकार बनी है जो सरकार कहूँ मोदी योगी जी कहते हैं कि सड़कों में गड्ढा बंद रहेंगे, आज तक जो भी ऐसी सरकार है कि वहाँ रात में पड़ जाओ दिन में पड़ जाओ क्योंकि चोट खा जाए वही मर जाओ, ये सारे वाहन सड़क वगैरह नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है, गल्ला जो है 100 रुपया में तेल मिल रहा है, 150 रुपया में कड़ुआ तेल, या जो जो है कि 15-10 रुपया में गेहूँ धान बिक रहा तो क्या खाए, इसी बाहन बहुत ही सरकार जैसे योगी मोदी कहें कि हम अच्छा करेंगे वैसा ही बर्बाद कर दिया देश को, पढ़ाई शिक्षा मिला है सिलेंडर मिला है जो कुछ मिला कुछ सिलेंडर में खाना बनाती है। हाँ वही मैं यहाँ खाना बनाए थे, झूठ बात है नहीं बिटिया कहीं चाटोला चाटी चाह जी वह चीज मिली, हम बताए यमो बजा सिलेंडर मिल जाए खाना नहीं पका पाए, आपको नहीं मिला घर मिला? हाँ घर मिला था। शौचालय? शौचालय मिली। कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? अरे मिला चाहे दुनिया में दई दिया बुआ की नहीं, किसको? मायावती। मायावती अच्छा काम करती? हाँ घर मिला झूठा ना बोला। अच्छा आंटी, कुछ गांव के आपका सड़क नाली ये सबका कुछ विकास हुआ? नहीं बच्चा कुछ नहीं बाबा। हाँ कुछ नहीं बाबा, नाली ना हमारे दरवाजे नाली बह रहे सब कीड़ा बड़ी निकट निकट हमारे दरवाजे देहरी गया आए, और उसके बाद में प्रधान तो कहो भैया नदिया बना दियो, तो प्रधान आजकल लगाए अतुल प्रधानी, प्रधानी चली गए दूसर प्रधानी आ गए नदिया हमारे द्वारे देखो जाके बैठे वाला नहीं, बोला नहीं कौन सुनवाई नहीं,
आए और की बात ना हमका शौचालय मिली ना कॉलोनी मिली। 10-15 साल हुए जाते हमारे आदमी का नहीं कहने पेंसिल बना दिया वह नहीं बना है बच्चा बस कुछ नहीं पेंशन भी नहीं बच्चा इन्हें पढ़ाने के लगे। आपको क्या लगता है कि आपका आपके लिए बेहतर कौन सी सरकार है जो बेहतर है? मायावती बहनी इन्हें आपका अच्छा करती इन्हें इन्हें की राज मरा दी है बस इन्हें की राज मरा दी है बहन जी राड मेरी आम दीदी बच्चा है आप मजदूरी करके खा रहे हैं छप्पर में रह रहे हैं पेंशन नहीं मिलती पेंशन नहीं मिलती है घर मिला घर नहीं मिला। अच्छा शौचालय शौचालय आपको मिली है? अच्छा मिली हाँ घर नहीं मिला घर नहीं मिला दीदी बच्चा है मजदूरी करेगा ही अब शाम का ही तो सब्जी दाल लोन लेके ही न पेंशन मिली न कुछ मिला। किसको इस बार चुनेंगी आप मायावती को अखिलेश यादव को मायावती को दिन जाए मायावती को दिन जाए भाई मायावती प्रधान का दीदी तीन तीन या फार्म भरे पर्चा दी ना कुछ मायावती की सरकार में आप लोगों की सुनवाई हो तो ना बहन जी कुछ मिला नहीं नकाल हो गए तीन आदमी मरा हुआ कैसे हम जाए कहा करे अब बच्चा अभी छोटे छोटे है कुछ कही नहीं पंद ब्याह पर ना कुछ रहा मंजूरी करके आदमी ला रहा मंजूरी करे ले बच्चों बनी मदद नहीं मिली सरकार कुछ तो नहीं मिली बहन जी कुछ नहीं मिला मदद करा दी बहन जी। देखिए हम तो आपकी बात पहुंचा ही देंगे और यहाँ पर और भी लोग हैं आप बताएं किसकी सरकार चाहती हैं हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं महिलाएं मायावती सुनवाई करती थी सुनवाई नहीं कोई सुनवाई बीजेपी नहीं अच्छी लगती कोई नहीं। यहाँ पे इस बार क्षेत्र का क्या माहौल है गांव में सब लोग क्या सोच रहे हैं कि किसके गांव सोच रहे हैं मायावती सरकार आ जाए सबसे अच्छी आप लोगों के लिए सबसे अच्छी सरकार अच्छी चीज है अपने यहाँ पर गांव में सब लोग अधिकतर किसानी करते हैं। हाँ सब किसानी मजदूर आदमी यही काम करते थे अपने हाथ कमाओ खाओ कोई सुनवाई तो मतलब घर ये शौचालय ये सब सबको नहीं मिला है। हाँ हम उन लोगों ने कोई कॉलोनी वलोनी कुछ नहीं मिली किसी को नहीं जिसको मिली जिसको मिली हम लोगों को नहीं मिली अपनी कमाई कांटे की कमाई जो रह रहे हैं बंगला धरे या घर कोई आता नहीं है सुध लेने के लिए कोई नहीं आता है है अपनी कमाई से घर बनवाओ थोड़ा बहुत वोट के टाइम तो बहुत सारे लोग आते होंगे आप लोग से मांगने के लिए उतनी समय तो बहुत सारे लोग आते हैं कि हम वोट मांग के चले जाते फिर कोई नहीं कोई नहीं कि प्रधान है या बी डी सी है जिला पंचायत है या कुछ भी हो जब वोट निकल जाती है ना तो कोई नहीं सुनवाई करता है। अच्छा आपको क्या लगता है कि मायावती आप लोगों का बेहतर सोचेंगी बेहतर करती है? अरे मायावती जब सरकार थी तो बेहतर सोच रही थी उनकी सरकार में कुछ आपके गांव का कुछ काम हुआ हो ऐसा याद है आपको? काम हुआ का नहीं बहुत सारा काम हुआ है पर हम लोग के विचार है कि मायावती की वोट दें। बीजेपी की सरकार में कुछ आपको मदद नहीं मिली? कुछ नहीं मिला हम लोग को कुछ नहीं मिला है कोई चीज ना कॉलोनी है ना कुछ है कोई चीज नहीं मिली। देखिए आम जनता जो है कितना परेशान है कितनी पीड़ा में है जब हम ग्रामीण इलाके में निकलते हैं जब ऐसी क्षेत्र में निकलते हैं जहां पर मीडिया का पहुंचना मुश्किल होता है जो मीडिया नहीं दिखाती है हकीकत क्या है लोगों की वो यहां पर देखने को मिला है और यहां पर हमने सबसे बात की आपको दिखाया भी कि किस तरह से लोग यहां पे परेशान है ना कोई विकास हुआ है ना सड़कें बनी हुई है ना नालियां हैं और रोजगार की तो बात ही क्या करें क्योंकि यहाँ पर लोग अधिकतर किसानी करते हैं जानवर आके उनकी खेती का नुकसान करते हैं उस पर कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है हम इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे ही हम दूसरे क्षेत्र ग्रामीण इलाके में जाकर आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे लेकिन आप हमारे साथ बने रहें देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।